और अचानक से अद्दू का प्लान बन गया कि पापा का आज केक कटवाएगी, है ना? तो ये केक लाए हैं उनके लिए बटरस्कॉच, इसके पहले हम अपने लिए पिज्जा लेकर आए हैं। किसके? तू लाई पिज्जा? हाँ, मैं अपने अद्दू के लिए लाई हूँ। खाना नहीं खाओगी? खाना तो बना दी हूँ मैं, दाल चावल सब्जी। मैं पापा को इसीलिए घूमने जाने के लिए बोल रही थी, पापा नहीं लेके गए तो मैंने पापा का वहाँ पे खर्चा करवा दिया। हाँ, बड़ा खर्चा करवाने बहुत तेज बनती है। और कुछ ये और कोई नहीं खाएगा? हम लोग तो नहीं खाएंगे। मम्मी को ये वाला पिज्जा नहीं पसंद, मम्मी को डोमिनोज का पिज्जा पसंद है, हमारी मम्मी हाई फाई है। ये लोग खाएंगी जर्मन बेकरी का पिज्जा। yes. अध्ययन और अद्दू बहुत टेस्ट लगता है। और यहाँ मम्मी कपड़े कर रही है कपड़े, प्रेस उपाध्याय जी के। कुछ और लेके लेके आओ, मम्मी ये टेस्टी होता ही नहीं है। अद्दू देख लिए भी तो इसको लालच आ गया होगा, देखिए कैसे चाट रही है। ये पिज्जा अच्छा होता है जो चाट रही है? खाने दो ना, वो करवा लो। अभी केक कटवाने चल रही, करी खा के तब जाएगी। गाइस केक लेने लोग गए हैं, केक लेके भी आ गए हैं, लेकिन ये लोग कटवाएंगे खाने के बाद क्योंकि पिज्जा ठंडा हो जाएगा। मोनी को आपको नहीं पूछिए तू बनाओ, मोनी को क्लास कर रही है, मोनी को क्लास कर रही है। हम एज यूजुअल सॉस के साथ खा रहे हैं, अच्छा लगता है। तो वो सब नहीं डाली हो क्या, चिली फ्लेक्स और वो? चलो ठीक है, मैं अध्ययन के लिए मैं मसाला पराठा बनाती हूँ, उसमें काम आएगा। अध्ययन सुबह क्या ले जाओगे? अध्ययन टिफिन में बस तुम्हारे लिए ही खाना बनाना है। क्यों? क्योंकि अद्दू का छुट्टी है, अद्दू का पेपर चल रहा है और पापा कल खाना नहीं ले जाएंगे। मसाला पराठा नहीं, ये दिन की छुट्टी बिल्कुल नहीं, जाएगा स्कूल। मसाला पराठा ले जाओगे बाबू? तो गाइस अध्ययन कल मसाला पराठा ले जाएगा, उसमें चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो ये सब पड़ता है, तो मैं डाल के अध्ययन के लिए खूब अच्छा स्पेशल बनाऊंगी। तो तुम वैसलीन क्यों नहीं लगाते हो? पानी ले, पानी ले अध्ययन। जब खेलते हो तब तुम्हारा होठ नहीं फटता है? चलो ठीक है, तुम लोग खा लो, इसके बाद चलते हैं, तब तक मैं खाना का कुछ देख लेती हूँ। गाइस जब तक बच्चे खा रहे हैं तब तक ये मेरी सब्जी बन गई है। मैं मूली की भुजिया सब्जी बनाई हूँ, मूली के पत्ते की, और ये दाल बन रही है, और चावल मुझे बनाना है। चावल जा रही हूँ धो के रख देती हूँ, धोने के 15-20 मिनट बाद मैं चावल डालती हूँ। वीजा खा लिया है, पार्टी वार्टी सब हो गई है, अब हम लोग जाएंगे एक और जगह पार्टी करने। तो बड़े पापा बड़ी मम्मी को नहीं पता कि हम उनके लिए केक लेके जा रहे हैं, तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं। और तैयार क्या होते हैं, इन्हीं कपड़ों में गाइस हम लोग जाएंगे, घर के कपड़े बेस्ट। बस के दादी बस फटाफट, ये लास्ट है शर्ट आई थिंक, अभी देखते हैं चल के उनका रिएक्शन क्या होता है, बड़ी मम्मी बड़े पापा। चल चलते हैं फटाफट से, मैं दिखाती हूँ अध्ययन क्या करते हैं। एज यूजुअल ठीक है, एज यूजुअल मेरा फेवरेट मग, मैं इसको लेके ही जाऊंगी क्योंकि प्यास लगती है मेरे को बहुत। ये अध्ययन टाइम पास कर रहे हैं, खड़े होले चल वहाँ पे। भाई इस बंदे के होठ फट गए हैं, इसका होठ बिल्कुल भाई पिंक हो रखे हैं, तेरे सही लग रहे हैं ना, नेचुरल पिंक है वो। हम लोग आ गए बड़ी मम्मी के यहाँ, ये रहा केक, अभी केक खोलेंगे एनिवर्सरी। अध्ययन पता नहीं क्या कर रहे हैं बड़े पापा के साथ। अरे रुको, अरे भैया पकड़ो आप बनाओ। क्या लिखवाई है तू? मापा क्या हुआ? ये हटा दे, नहीं ये हटा दे, चल रख। जोधी पोड़े जाए तो केक कटेगा, सब क्या बटेगा? तेरे पापा के बैग में होगा जाले किया। तो तू भैया को बोल रही है गलत, तो तेरे पापा गलत नहीं बोलेंगे? छोटा वाला बेटा है, तीसरे नंबर वाला।
तीसरे नंबर वाला जैसे वो किसान बोला था अच्छा हुआ चोरी हो गई अद्दू के लिए अद्दू एक जला दे ना अद्दू नहीं अद्दू जला ना आंटी ये दोनों पिज्जा खा के आ रहे हैं आपका एनिवर्सरी का पार्टी करके अपने पापा से इनके जलाने नहीं आ रहा। अरे सुनो मम्मी को कुछ खिलाने से पहले मम्मी को टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना मम्मी अच्छा नहीं था अगली बार हम कहीं और का पिज्जा ट्राई करेंगे फिर हम वो आपको खिलाएंगे तो हम पिज्जा ही कटवाएंगे पकड़ो दे पिज्जा खा पापा भी पकड़े चलो आप पकड़ो इसका फोन आया Happy anniversary. Happy anniversary to you. अभी रुक के काटिए कट गया क्या हाँ काट हाँ पापा को खिला रहे नहीं पहले पापा को खिला पीछे से खाओ अपने भी खाने सबको होगा तो फिर मैं भी खा लेता मास्टर जी केक कट रहा है मास्टर जी खिला दा पूरा खिला दा अब अंकल खिलाएंगे ना सर मुंह बंद अंकल से बोल खिला मत मम्मी खिला अजय वीडियो बना रहा है अध्ययन पापा के हाथ में पकड़ा मम्मी को खिलाएंगे मेरे वीडियो में आएगा अरे अब अपने बस हो गया मेकअप पापा के लिए भी अध्ययन दो दो मैं बटकू को खिलाऊंगा क्रीम वाला दो यार बटकू लो 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 हां 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 टीका लगा टीका नाक पे लो 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 चस्का लगा दिया मुंह पे अद्दू पापा के हाथ में पकड़ा मम्मी को खिलाएंगे ना अद्दू अद्दू पापा के हाथ में पकड़ा खुद नहाता नहीं है एक हफ्ते तक मम्मी को खिला दो हमारे चेहरे पर तू हाथ में पकड़ वो पापा बड़कू मम्मी को खिला दो सन्नी आ चुके हैं ना सन्नी आ जाओ खाने में खिला खिलाओ खा चुके खाने खिलाने में फर्क होता है मुझे लगता है आपको पता नहीं है सन्नी तू काट के पापा के हाथ में पकड़ा पहले पहले अंकल खिला ले पहले अंकल आपको खिला ले पकड़ा लीजिए नहीं थोड़ा सा दे दीजिए ये क्या है खाना खाओ खा लो मार्केट ये खाने के लिए शुगर नहीं बढ़ना चाहिए खा तो आप सब कुछ हाँ बड़ा शुगर बढ़ रहा है दे दो मास्टर जी की तो मुंह में डालेंगे बैठिए अंकल पहले आप खा लीजिए देर मास्टर जी तुम खाओ बड़े पापा मुंह पे भी ले तू खा ले उनके मुंह पे खा ले ना दादी का मेकअप कौन करेगा लगा दे अरे लगा दे मैं पहले खिलाया अब यार सब कुछ बोल रही हो उनका पहले सुनने आ रहा हूँ मनी को खिला दिए दो दो फोन पकड़ा हूँ मैं आ रहा हूँ बाबी का ब्लॉग बन रहा है मम्मी का ब्लॉग बन रहा है माता जी हमको बंदर बना दिया है पूरा ही सब रुक दीजिए गाय जद्दू के बड़े पापा मम्मी के यहाँ से हम लोग केक कटवा के आ गए हैं और मैं खाने का भोग लगा दी हूँ ये मेरा दाल चावल सब्जी और ये अद्दू की बड़ी मम्मी भेजी हैं ये क्या लिट्टी बोलते हैं इसको सत्तू वाला पराठा जो हम लोग बनाते हैं और ये खीर है मैं मना करी थी खाना आंटी बना हुआ मत भेजिए लेकिन आंटी नहीं मानी भेज दी हैं और ये खाना उपाध्याय जी की निकाली हूँ मैं देने जा रही हूँ खाना पीना खा चुके हैं हम बड़ी मम्मी के घर से आ चुके हैं पापा यहाँ पे टहल रहे हैं मम्मी भी जा रही है उस छत पे और अध्ययन दादी का फोन देख रहे हैं 15 मिनट से दादी फोन मांग रही दे नहीं रही है क्यों अब पीटेगा क्या दादी ऐसे ही बोले 15 मिनट से मांग रही है
चलो ठीक है आप लोग जाओ। ओके यहाँ अध्ययन सो गया है, उसके सर में दर्द हो रहा था, अद्दू उसका बैग पैक कर रही है। कितनी अच्छी बहन है, प्यारी प्यारी है ना अद्दू। दिमाग खराब आप लोग मेरा जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ और गाय ये सोफे का कवर उतरा हुआ है, भूल गया है, छोटे छोटे पे सारे पे मैं चढ़ा दी हूँ, बड़े वाले पे रह गया चढ़ाना, उसको कल चढ़ाना। क्या हुआ? जो पेपर हो गया उसके लिए नोटबुक का बुक मंगवाया है, रीडिंग करवाने के लिए। बस खाली बुक मंगवाना चाहिए ना। तभी तो उसका बैग इतना भारी रहता है। इसके बाद तुम पढ़ाई करोगे अद्दू? गाइस जब हम लोग जा रहे हैं सोने और अद्दू 2 बजे तक पढ़ाई करेगी, फिर उठेगी कब अद्दू? जब आप उठा दोगे। आज तू 10:30 बजे मैं जगा रही थी तब भी तू नहीं उठ रही थी, रात में देर तक पड़ी थी। हाँ तो उठ जाना चाहिए टाइम से ना, टाइम से सो जाओ, तुम्हें 9 बजे पढ़ने बैठ जाना चाहिए। अभी तुम्हें पढ़ना चाहिए इस टाइम पे। और गाइस ये अद्दू जब सब लोग सोने लगते तब पढ़ने बैठती है, 2 बजे तक पढ़ेगी, फिर सुबह 10 बजे तक सोएगी। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने, तुम अपना उसका बैग पैक करके जब मन करे तब तक पढ़ो, ठीक है? गाइस मैं बैठ के पानी पी रही हूँ क्योंकि अब सोने जा रही हूँ, और अद्दू मेरा ब्लॉग देख रही है अपने मोनी बुआ के फ़ोन में। आज इसको पता नहीं क्यों मन कर गया देखने का, ब्लॉग देखने का मन कर गया, तो अद्दू अपनी हरकतें, अपनी हरकतें ब्लॉग में जो हरकतें करती है वो सब देख रही है। अभी मोनी भी आके पढ़ेगी फिर घर? पता नहीं वो पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, मैं तो पढ़ूंगी। मोनी आपको भी पढ़ना है अद्दू के साथ? पढ़ना है नहीं, 12 बजे के बाद आफ्टरनून होता है। तो मैं अब जा रही हूँ सोने और अद्दू पढ़ेगी। मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, अब मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।